हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग ऑन यूनिट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 6। हियर वी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। कास्टिक सोडा के फॉर्मेशन मेथड्स को कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर्टीज का स्टार्ट करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सटर्नली इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जान पाएंगे, देन केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट्स कलर इज व्हाइट। सफेद रंग का पदार्थ है एंड इट्स फिजिकल स्टेट इज सॉलिड। इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, गलना अंक 318.4 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। एक्वस फॉर्म में से जल में ही इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कहते हैं। बट ये है वाटर में तो सॉल्युबल है ही और उसके साथ साथ एल्कोहल में भी विलय हो जाता है। इट इज एन स्ट्रॉन्ग बेस। ये प्रबल क्षार है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू वेस्टवाल्ड, तो वी सेज दैट एंड कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स हु हैव द कैपेसिटी फॉर द सबस्ट्रक्शन ऑफ OH आर हाइड्रोक्सिल आयंस, देन दे आर नोन एज बेस। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो ये OH माइनस देता है, Na प्लस एंड OH माइनस। तो वे केमिकल सब्सटेंस जो OH माइनस देते हैं अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहां NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में यूज किया जाता है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके रासायनिक गुणों का स्टडी करेंगे और यहां रासायनिक गुणों में पहला केमिकल रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन विद CO2। हालांकि इसे हम रिएक्शन विद एयर भी कह लें क्योंकि यह एरियोबिक रीजन में खुला रखे जाने पर वायु की ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उस CO2 को एब्जॉर्ब करके इसे सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन NaOH रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू प्रोड्यूस्ड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सबस्ट्रक्टेड वाटर H2O का फॉर्मेशन करता है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर देंगे, देन सोडियम 2 हुए, ऑक्सीजन मिलकर के कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा CO3 में और बचा हुआ पार्ट H2O के रूप में पृथक हो जाएगा। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। हाई टेम्परेचर पर NaOH सबस्ट्रक्ट होकर के अपने सभी अवयवों को फ्री कर देता है। नियर अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट ब्रेक डाउन इन देयर कंपोनेंट्स एंड गिव्स Na, ऑक्सीजन O2 एंड हाइड्रोजन H2। फॉर बैलेंसिंग वी यूज 2, देन सोडियम इज 2। 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इन्हें ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सोडियम के रूप में यह उच्च ताप पर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस ताप पर विच्छेदित कर देता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों से क्रिया, और यह रिएक्शन प्रूफ करती है कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बिकॉज इट प्रूफ दैट दिस रिएक्शन इज एज अ साल्टिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज अ सिंगल बेस सब्सटेंस लाइक एज NaOH रिएक्ट विथ एनी एसिड लाइक एज HCl, लाइक एज H2SO4, लाइक एज HNO3 एंड सम सेक्ट्रो एसिड्स।
then it makes salt and reduce water. So this sequence of reaction is known as saltification. अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्षार किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनते हैं और जल का पृथक्करण हो जाता है. ऐसी अभिक्रियाएं साल्टिफिकेशन कहलाती हैं. तो रिएक्शन से समझ लें, NaOH रिएक्ट विथ HCl और यहां से सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस सबस्ट्रेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स H2O. और इसी तरह अगर हम NaOH का रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड से करा दे H2SO4 से, देन इट मेक्स Na2SO4 एंड सबस्ट्रेक्टेड वाटर H2O. यहां ट्वाइस कर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ट्वाइस कर लेंगे. तो एक क्षार है, दूसरा एक अम्ल है और अम्ल और क्षार की क्रिया से अर्थात एसिड और बेस की क्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे साल्ट हैं, लवण हैं और इसलिए यह अभिक्रिया साल्टिफिकेशन कहलाती है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ठंडे और तनु NaOH की क्लोरीन से क्रिया. कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्ट विथ क्लोरीन. सो इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट सेज दैट व्हेन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट मेक्स हाइपोक्लोराइड ऑफ मेटल. सो वी सेज दैट फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइड. अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, क्लोरीन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट. ध्यान रहे कि ये रिएक्शन हॉट वेदर पे भी होगी. सो यहां कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया गया NaOH है और ये रिएक्ट करके सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्रोड्यूस करता है. स्पेशल पॉइंट, नोट पॉइंट फॉर दिस रिएक्शन, यही अभिक्रिया गर्म और सांद्र, यहां जो NaOH है वो हॉट है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, देन इट मेक्स सोडियम क्लोरेट. जब गर्म और सांद्र कास्टिक सोडा की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ये आधिक्य में क्रिया करके सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करती है. तो ठंडे में सोडियम हाइपोक्लोराइट और गर्म में सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से क्रिया. टू स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा. इन दिस रिएक्शन फर्स्ट कास्टिक सोडा रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड प्रोड्यूस्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट. देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबस्ट्रेक्टेड ऑन देयर कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस अमोनिया. सो फाइनली वी सेज दैट अमोनिया इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन रिएक्शन. रिएक्शन से समझ लें, NaOH रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. यहां सोडियम इस क्लोरीन को NaCl के फॉर्म में रिमूव करता है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है NH4OH. अब ये NH4OH ब्रेक डाउन करेगा अपने कंपोनेंट्स में, देन यहां अमोनिया को रिलीज करेगा. NH3 इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड इट सबस्ट्रेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल. H2O के पृथक्करण द्वारा अमोनिया प्राप्त होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद Zn एंड वी ऑल्सो सेज दैट रिएक्शन विद मेटल्स. व्हेन NaOH रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस देयर मेटेलिक साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. धातुओं से NaOH क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और उन धातुओं के लवण प्राप्त होते हैं. जैसा यहां जिंक जस्ता धातु के साथ क्रिया दिखाते हैं रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं. Zn रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म सोडियम जिंकेट साल्ट
Na2ZnO2 and release hydrogen in gaseous form. तो यहां कास्टिक सोडा जब जस्ता धातु से क्रिया करता है तो क्रिया करके उसका धात्विक लवण बनाता है, जैसे यहां सोडियम जिंकेट प्राप्त हुआ, और मेनली इट रिड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का पृथक्करण होता है। Now we discussed about the uses of NaOH. Caustic soda के महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जिनका यहाँ discussion करेंगे point to point, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जान पाएंगे। सबसे पहले तो soda lime के संदर्भ में बताएं कि NaOH और CaO, calcium oxide का मिक्सचर एक निश्चित रेशियो में 2:1 के रेशियो में लेकर के एल्केनों का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्केनों के प्रोडक्शन के लिए, सोडा लाइम के फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है ये। कुछ और भी उपयोग हैं जिनको जान लेते हैं। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, द वेरियस रिएक्शंस आर कंप्लीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, सो NaOH एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारी विलयन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड, इट इज इन द इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ यूज, व्यापारिक स्तर पर औद्योगिक मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री में? सोप इंडस्ट्री में, साबुन निर्माण की क्रिया में NaOH प्रयुक्त होता है। पेपर इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में भी NaOH प्रयुक्त होता है। एंड हियर आर फाइबर्स, सिल्क जिसे रेशम कहते हैं, एंड रेयान इज द सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशा है। तो ये सिल्क और रेयान, इन दोनों फाइबर्स के फॉर्मेशन में इन इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग करते हैं, अर्थात फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए भी NaOH बहुत ही उपयोगी है। Now fourth, the purification of petroleum substance. In petroleum, various type of products are produced after purification. जब हम पेट्रोलियम का शोधन कराते हैं तो प्रभाजक स्तंभ में अलग अलग तापक्रमों पर विभिन्न उत्पाद, जैसे केरोसिन ऑयल, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम, कोल टार आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन प्रक्रम में जिसके द्वारा पेट्रोलियम का शोधन करते हैं, वहां भी कास्टिक सोडा NaOH बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइज। यहां केमिस्ट्री में हम इन्हें रंजक कहते हैं, कलर पिगमेंट्स हैं। मैक्सिमम टाइप ऑफ कलर्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलरिक पिगमेंट्स, रंजकों के या डाइज के फॉर्मेशन में भी NaOH महत्वपूर्ण होता है। और इसी प्रकार हम इसके और भी बहुत केमिकल कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में उपयोग समझ पाते हैं, जैसे धातुओं के साल्ट बनाने में, साल्टिफिकेशन के प्रोसेस में साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, अमोनिया के प्रोडक्शन में अर्थात NH3 को प्रोड्यूस करने के लिए। So students, here we complete section A, compound NaOH. Alkaline metals का मुख्य compound sodium का caustic soda NaOH, जिसके preparation methods में Nelson cell, Kastner-Kellner method with diagram, with chemical reaction,
देन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद केमिकल रिएक्शन, और लास्ट किया है यूजेस से। तो नेक्स्ट क्लास में एल्कलाइन मेटल्स के अगले कंपाउंड के स्टार्ट करेंगे, चूंकि वे सॉल्ट फॉर्म में हैं, और एक कंपाउंड और इस टॉपिक का रह जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसका इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन है। तो पहले हम सॉल्ट कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद लास्ट करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप का। तो यहां से एक चैप्टर आपका एस ब्लॉक यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा।